गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में सबसे लास्ट बॉन्ड क्या है, मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड एक्चुअली अभी जो पढ़ना है वो बहुत कम पढ़ना है, ये एक्चुअली इंजीनियरिंग का चीज़ है। मेटलर्जी इंजीनियरिंग या मटेरियल साइंस में जब आपको पढ़ना है इंजीनियरिंग में, ये पेपर होता है इंजीनियरिंग में, वहीं पर ज़्यादा इसका डिस्कस होता है। यहाँ जो है हम लोग थोड़ा इसका जानकारी ले लेंगे, फिर भी हम कुछ ज़्यादा ही मटेरियल में दे रहे हैं जो कि उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक चीज़ आप पढ़े हुए हैं उसका रीजन मैं सिर्फ दे रहा हूँ। अभी तक आप लोग जो पढ़े हैं उसका रीजन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, मेटालिक बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड देखिए, मेटालिक बॉन्ड किसको कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड जो होता है इसको कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन इसको बगल में लिख दीजिए कर्नल्स, बाद में कर्नल बताते हैं, मेटल आयन एंड क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसी को बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड, इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। इसमें होता क्या है चीज, इसको समझिए। हर मेटल का नेचर, मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होता ही है, वो इजिली इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, हैं? मेटल का कैरेक्टर ये होता है, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो मेटल आयन है एन प्लस, मोनोवेलेंट होगा तो वन, डाइवेलेंट होगा टू, ट्राइवेलेंट होगा थ्री, इसलिए एन प्लस ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तीन इलेक्ट्रॉन तब निकलेगा, नहीं अगर एक है तो, मोनो है तो एन ई इलेक्ट्रॉन भी निकालिए, एन ई इलेक्ट्रॉन एम एन प्लस एन ई इलेक्ट्रॉन एम एन प्लस एन ई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर लेते हैं एम एन प्लस एन ई इलेक्ट्रॉन एम एन प्लस एन ई इलेक्ट्रॉन एम एन प्लस एन ई इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम लोग, ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है आपको डीलोकलाइज्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये मेटल आयन है इलेक्ट्रॉन जो है ये डीलोकलाइज्ड फॉर्म में रहता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर है, कहीं पर ही ये क्या होता है डीलोकलाइज्ड फॉर्म में, यहाँ भी घूमते रहेगा कहीं भी, ये क्या रहता है डीलोकलाइज्ड फॉर्म में रहता है। जब डीलोकलाइज्ड फॉर्म में हम, जैसे देखिए मेटल, कोई भी मेटल, जैसे सोडियम मेटल लिए मान लीजिए, सोडियम है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बन जाता है Na प्लस प्लस ई, तो मेटल आयन क्या हो गया, मेटल आयन हो गया कर्नल्स,
और इलेक्ट्रॉन ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकला। तो यहाँ पर मेटल आयन जो होता है, जैसे सोडियम का लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया तो Na प्लस बन गया, Na प्लस बना। तो अब यहाँ पर सोडियम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सोडियम का और ऑल इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है, कर्नेल्स कहलाता है। ये यहाँ पर सोडियम का न्यूक्लियस और 1s2 2s2 2p6 ये जो इतना पूरा पार्ट कहलाता है कर्नेल्स, कर्नेल्स कहलाता है। और ये हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हो गया मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नेल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। यही ना हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नेल्स एंड, अदर वे में क्या बोलेंगे, अदर वे में बोलेंगे हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बिटवीन कर्नेल्स एंड एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कर्नेल एंड वैलेंस, छोड़िए नहीं थी सब लिखने का जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं कर्नेल क्या है और इसके बीच है, ठीक है। तो मेटल एटम जो है कंटेंस टू पार्ट, कोई भी मेटल एटम दो पार्ट में रहा, मेटल एटम, मेटल एटम हैव टू पार्ट्स, टू पार्ट्स, क्या क्या पार्ट्स है, पहला है मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो पार्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा पार्ट है कर्नेल्स, कर्नेल्स, कर्नेल्स मेरा क्या है, कर्नेल्स क्या है, देखिए कर्नेल्स क्या बताए कि वो जो है मेरा न्यूक्लियस है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस को बोलते हैं, यही ना, न्यूक्लियस एंड इनर सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया, तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स एंड प्लस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, कर्नेल्स, इनर सेल इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस को कर्नेल्स बोलते हैं। कोई भी मेटल दो पार्ट में रहता है, ये मेटल आयन, मेटल आयन मतलब क्या हो गया, कर्नेल्स, इनर सेल इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। तो दो पार्ट में मेटल एटम रहता है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कर्नेल्स। कर्नेल्स का पोजीशन चेंज कभी नहीं करता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मोबाइल कंडीशन में रहता है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करते रहता है। तो इसको लिखेंगे कर्नेल्स है कर्नेल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन, पोजीशन एंड कॉल्ड लैटिस साइट, सॉलिड स्टेट में लैटिस साइट टर्म आएगा, ठीक है। अभी से जानिए, ये सॉलिड स्टेट जब पढ़ेंगे तो वहाँ तो मेटल का चर्चा है, तो वहाँ पर कर्नेल्स है फिक्स्ड पोजीशन, क्या है, फिक्स्ड पोजीशन है एंड कॉल्ड, क्या हो जाना है,
and called lattice sight. इसको कर्नेल का पोजीशन कभी चेंज नहीं होता है, इसको बोला जाता है लैटिस साइट. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नॉट लोकलाइज्ड. इसका पोजीशन फिक्स नहीं होता है, कहीं पर ये घूमते रहता है. नो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट लोकलाइज्ड बट रिमेंस इन मोशन. ये मोशन में हमेशा रहेगा, इधर से उधर क्या होता है, मूव करते रहता है. तो कर्नेल्स का पोजीशन फिक्स होता है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मोबाइल फॉर्म में रहता है, ये मोशन में रहता है. ठीक है, दिस मॉडल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल. अब देखिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो गैस मॉलिक्यूल भी क्या होता है, इधर से उधर मूव करते रहता है. इसको कहा जाता है, दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल. दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल. इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल. तो क्या पढ़े हम लोग, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड. तो कर्नेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड. मेटालिक बॉन्ड को क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड मेटल एटम टू पार्ट में डिवाइडेड रहता है, एक मेटल आयन या कर्नेल बोल सकते हैं, दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के टर्म में. कर्नेल का पोजीशन फिक्स होता है, अपना पोजीशन पे फिक्स रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है लैटिस साइट. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोबाइल फॉर्म में रहता है, इधर से उधर मूव करते रहता है, ये नॉट लोकलाइज्ड फॉर्म में रहता है बट रिमेंस इन मोशन. दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल. गैस मॉडल क्यों बोले, क्योंकि गैस की तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव कर रहा है. तो जैसे गैस कहीं पर रख दीजिएगा तो वो इधर से उधर जिगजैग मोशन में मूव करते रहता है, उसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी. हम लोग जो पढ़े इसको बोला जाता है क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉडल या सी इलेक्ट्रॉन मॉडल. इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ये जो मॉडल पढ़े हम लोग सी मॉडल से हम लोग डिफाइन किए. ये जो मॉडल है, दिस मॉडल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन सी मॉडल या इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल. ये जो हम लोग डिस्कस किए ये क्या था, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहा जाता है इसको. सी मॉडल पर हम लोग ये सब डिफिनेशन दिए. ठीक है, और होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मॉडल, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉडल, ये सब आपको पढ़ना है इंजीनियरिंग में. अभी कुछ नहीं, ये सब का ज़्यादा नहीं पढ़ना है, खाली इलेक्ट्रॉन सी मॉडल जानिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड. ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टी का डिस्कस कर दे रहा हूँ. प्रॉपर्टी जानना जरूरी है, क्यों होता था, क्या चीज़. हम लोग पढ़े हैं प्रॉपर्टी मेटल का, लेकिन रीजन नहीं पढ़े थे, तो रीजन जानना जरूरी है. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब पढ़ते हैं मेटालिक प्रॉपर्टीज. बॉन्ड होता है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी समझिए,
फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मेटल्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पहला पढ़ते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका रीजन समझिए, हम लोग क्या देखे, मेटल आयन क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मेटल आयन क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एनी मेटल आयन है क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन मोबाइल फॉर्म में रहता है, फिक्स पोजीशन पे नहीं रहता है कि यहीं पर है, कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ हो सकता है, यहाँ है, यहाँ हो सकता है, कहीं पर भी, मतलब कहने का मतलब हुआ ये कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, ये मोबाइल फॉर्म में रहता है। तो कंडक्टिविटी के लिए दो चीज़ चाहिए, कंडक्टिविटी जो होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिख देते हैं, चाहे थर्मल कंडक्टिविटी भी होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ मेटल आयन, नंबर ऑफ आयन्स एंड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ ये मेन कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये दो चीज़ पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कितना फ्री आयन है, चाहे केटायन हो चाहे एनायन हो, वो आयन होना चाहिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी फ्री है, मेटल आयन भी प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू, क्या हो जाएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यहाँ रीजन क्या लिखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड 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 आयन्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन, इसके कारण क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन्स, आयन्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दो रीजन होता है, यही दो चीज़ जिसमें है सब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा। ठीक है, अब इसका लीजिए स्क्रीन साहब, तब दूसरा प्रॉपर्टी लिखते हैं। देखिए कहता है मेटल्स हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए होता है क्या, मेटल मेरा है, मेटल है, इलेक्ट्रॉन है, मेटल है, इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से है, मेटल है, इलेक्ट्रॉन है, मेटल है, इलेक्ट्रॉन है, मेटल है, इलेक्ट्रॉन है, मेटल आयन इलेक्ट्रॉन, मेटल आयन इलेक्ट्रॉन, मेटल आयन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए इसको समझिए, जब किसी एक तरफ हीट करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, किसी तरफ आपको मेटल को हीट करना है, तो इस मेटल को जैसे आप हीट करते हैं एक छोर में, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मान लीजिए हीट किए, ठीक है, यहाँ पर हीट किए, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके यहाँ पर मान लीजिए कोल्डर इलेक्ट्रॉन है, ये
कोल्डर इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा कोल्डर इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये कोल्डर इलेक्ट्रॉन है, हीट कर रहे हैं यहाँ, ये कोल्डर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पर कोलाइड करेगा इससे, ये इनर्जी इसको दे देगा, फिर ये एक्साइट होकर के इससे कोलाइड करेगा, फिर ये एक्साइट होकर के इससे कोलाइड होगा, ये कंटिन्यूस फिनोमेना चलते रहता है। इलेक्ट्रॉन आगे जा कर के हीट क्या करता है, प्रोवाइड करते रहता है, इसलिए इस छोर से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन थर्मल इनर्जी बढ़ के कहाँ चला गया, आगे बढ़ते जाता है, इसीलिए क्या हो जाता है, मेटल्स है थर्मल कंडक्टिविटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इसको हीट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जाके दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, क्योंकि कर्नेल्स तो जहाँ का जहाँ फिक्स है, कर्नेल्स तो मूव कर नहीं रहा है, तो यहाँ से जाएगा ये, इससे कोलाइड करेगा, यहाँ एनर्जी लूज कर देगा, फिर ये यहाँ से जाएगा, फिर लूज करेगा, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाता है। तो थर्मल क्या हो जाता है, मेटल्स है हाई थर्मल कंडक्टिविटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर ये, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वो उसी के साथ देना था, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर conductivity of metal decreases, ठीक है, ड्यू टू vibration of kernels के vibration के कारण क्या होता है, electrical conductivity क्या हो जाता है, decrease कर जाता है, ठीक है, kernels in lattice लिख दीजिए। देखिए होता है यहाँ क्या, कंडक्टिविटी देखना है, तो देखिए मोबाइल इलेक्ट्रॉन के का मेटल आयन तो जहाँ का जहाँ फिक्स रहता है, मेटल आयन जहाँ का अपना पोजीशन से हटता नहीं है, मेटल आयन है, इस तरह से मेटल आयन है, इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी मोबाइल होते रहता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर क्या होता है, मेटल आयन वाइब्रेट करने लगता है, तो मान लीजिए इधर से इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, अब ये क्या करेगा, बीच में मेटल आयन आ जाएगा, तो मेटल आयन आ जाएगा तो यहाँ डिस्टर्बेंस हो गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में डिस्टर्बेंस का मतलब क्या हो गया, कंडक्टिविटी डिक्रीज होना है, कंडक्टिविटी का घट जाना, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये वाइब्रेट होकर के मेटल आयन कहाँ, यहाँ पहुँच जाएगा, इनर्जी जैसे इसको हीट करेंगे ये पहुँच जाएगा मेटल आयन यहाँ, अब इलेक्ट्रॉन का रास्ता ही बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, तो जब इलेक्ट्रॉन का मैंने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में डिस्टर्बेंस आएगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। हम लोग क्या है, जितना तेज़ी से इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग होगा उतना कहते हैं कि कंडक्टर है मेटल, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो कंडक्टिविटी नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए लिख दिया ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लैटिस एंड डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देता है, ये
डिस्टर्ब कर दिया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इसलिए क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब अगला पॉइंट लिखते हैं। मेटल जो है मेटालिक लस्टर मतलब चमक पैदा होता है मेटल में, इसका रीजन देखिए क्या है। मेटल सीट है मान लीजिए, मेटल 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 आयन है, 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 मेटल आयन है। यहाँ इस पर जब इनर्जेटिक रे मतलब फोटोन गिरता है तो वाइट लाइट, मतलब लाइट का मतलब क्या हुआ, लाइट एनर्जी का मतलब फोटोन। फोटोन एनर्जी जब इस पर फॉल करेगा, मेटल मेटल लेटिस है मान लीजिए, ये मेटल लेटिस है, मेटल लेटिस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो इसका मोबाइल हो ही रहा है, इलेक्ट्रॉन मोबाइल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मोबाइल हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मेटल आयन पर गिरेगा लाइट, समझिएगा मेटल का एटम, हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़े हैं, क्या पढ़े थे कि जब इनर्जी देते हैं, याद कीजिए बोर्स एटॉमिक मॉडल, कि जब इनर्जी देते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को तो वो एक्साइट होकर के जंप करता है, चाहे इसमें जंप करके जाए उतनी एनर्जी पर डिपेंड करेगा, चाहे इसमें जंप करके जाए, चाहे इसमें जंप करके जाए, हायर एनर्जी स्टेट में गया। जब कोई मेटल मान लीजिए यहाँ लाइट फॉल किया, लाइट फॉल किया, एक मेटल का चर्चा कर रहे हैं, एक एटम का, तो जब किसी मेटल के एटम पे लाइट गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, हायर एनर्जी सेल में जाता है। तो जैसे ये हायर एनर्जी सेल में जाएगा तो ये तो अनस्टेबल फॉर्म में रहता है, अनस्टेबल फॉर्म में है तो ये रिटर्न होगा अपने पोजीशन पे, ये फिर क्या होगा, रिटर्न होगा। तो रिटर्न होने के बाद एनर्जी लूज करता है, बोर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़े हैं कि हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो अपना एनर्जी लूज करता है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो वो एनर्जी किस रूप में जाएगा, लाइट के रूप में रिफ्लेक्ट होगा, तो उसी इसीलिए मेटल के अंदर से लगता है कि ग्लो कर रहा है, चमक रहा है, तो यही है मेटालिक लस्टर। ठीक है, इसमें जो है मेटल में क्या होता है, ग्लोइंग नेचर आ जाता है, मेटल ग्लो करने लगता है। ये जो एनर्जी लूज किया तो वो जैसे मान लीजिए कि E3 में आ गया, E1 है, E2 है, E3 है, E4 में मान लीजिए चला गया, E4 में है, E1 में है, E4 से E1 में जाएगा तो एनर्जी डेल्टा E जो रिलीज करेगा, ये एनर्जी किस रूप में रहेगा, लाइट एनर्जी के रूप में निकलेगा। इसी को जब हम लोग प्रिज्म से पास करा दिए थे तो लाइन या बैंड के रूप में मिलता था, तो किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वो लाइट के रूप में ग्लो करता है, तो इसीलिए बोला जाता है कि मेटल चमकता है, मेटल ग्लो करता है, मेटालिक लस्टर, मेटल का जो है चमक होता है, मेटल में क्या होता है, चमक होता है, समझ में आ गया। तो मेटालिक लस्टर प्रॉपर्टी शो करता है, मेटल शोज मेटालिक लस्टर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ नंबर देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए मेलेबिलिटी क्या होता है, व्हेन फोर्स और स्ट्रेस अप्लाइड ऑन मेटल इट कन्वर्ट इनटू सीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। कोई भी मेटल का टुकड़ा लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिए, ये इतना मोटा है, ठीक है, इस पर हैमरिंग कर दीजिए, इस पर हैमरिंग कर दीजिए, इस पर क्या कर रहे हैं, हैमरिंग कर दीजिए, मान लीजिए ये हैमर है, हैमरिंग कर दीजिए, हैमर है, हैमर है, ये मेटल है, तो मेटल है तो हैमरिंग करेंगे, हैमर से क्या करेंगे, ठोक देंगे, ये क्या हो जाएगा, सीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इतना बड़ा चेंज हो जाते जाएगा, ये सीट में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को बोला जाता है ये मेटल का, ये मेटल सीट हो गया।
ये मेटल सीट हो गया, ये मेटल का प्लेट टुकड़ा था रखा हुआ, उसको हैमरिंग कर दिए, स्ट्रेस कर दिए, रोलिंग रोलर चला दीजिए तो भी सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। कहीं मतलब कहने का मतलब हुआ, व्हेन फोर्स और स्ट्रेस अप्लाइड ऑन मेटल इट कन्वर्ट इनटू सीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। ठीक है, सिक्स नंबर पर ये डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होता है समझिए, डक्टिलिटी क्या है, मेटल कैन बी, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड, प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में क्या होता है देखिए, जब इसको खींचते हैं हम लोग, एक तरह से क्या है, ये मेरा है मेटल लस्टर M प्लस, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है M प्लस इलेक्ट्रॉन, M प्लस इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, M प्लस इलेक्ट्रॉन इस तरह से है, M प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या होता है, जब इसको ड्रॉन कीजिएगा तो ये पूरा सीट ही टूट यहाँ पर आके शिफ्ट कर जाएगा। इस पर जब फोर्स अप्लाई करेंगे, इधर खींचेंगे फोर्स लगाएंगे इधर, तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, ये नीचे शिफ्ट कर जाएगा, एम प्लस ई माइनस, एम प्लस ई माइनस, ई माइनस एम प्लस ई माइनस, एम प्लस ई माइनस, एम प्लस ई माइनस। अब जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई कीजिएगा उतना ये ड्रॉन होता जाएगा, खिंचाते जाता है, ये ब्रेक नहीं करता है, वो खिंचाते जाएगा। इस प्रॉपर्टी को मेटल का क्या कहा जाता है, डक्टिलिटी। मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। कॉपर का, गोल्ड का, सिल्वर का डक्टिलिटी बहुत हाई होता है, उसको खींचते जाता है, वो फोर्स इधर अप्लाई होते जाएगा, ऊपर से शिफ्ट करते जाएगा। मान लीजिए 10 लेयर का है तो शिफ्ट कर करके लंबा होते जाएगा, लॉन्ग वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोला जाता है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेवंथ प्रॉपर्टी देखिए, हम लोग पढ़ेंगे हार्डनेस। हार्डनेस क्या है, जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, हार्डनेस क्या होगा, हार्डनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड। अब स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड टू फैक्टर पर डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड डिपेंड ऑन टू फैक्टर, डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला होता है कि डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इंक्रीजेज। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, इंक्रीजेज मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ
इंक्रीजेज इंक्रीजेज वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ने के साथ क्या होगा, हार्डनेस क्या होगा मेटल का, बढ़ते जाएगा। दूसरा साइज ऑफ कर्नेल्स, साइज ऑफ कर्नेल्स दूसरा जो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड डिपेंड ऑन टू फैक्टर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितना ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। साइज ऑफ कर्नेल, कर्नेल का साइज छोटा होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होता है। साइज ऑफ कर्नेल, साइज ऑफ कर्नेल्स स्मॉल, साइज ऑफ कर्नेल्स स्मॉल, बॉन्ड विल बी स्ट्रांग, ठीक है, बॉन्ड विल बी स्ट्रांग। छोटा कर्नेल, कर्नेल मतलब एटम का साइज अगर छोटा है तो अब देखिए साइज हार्डनेस कैसे आता है। मान लीजिए हम बड़ा एटम लिए ऐसे है, यहाँ तो वॉइड भी बढ़ते जा रहा है, ये फ्री साइज बढ़ते जा रहा है, वॉइड का साइज बढ़ते जाएगा। तो जब इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, दब जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, सॉफ्ट हो गया मेटल, गद्दा आप कहते हैं कि तोशक मेरा सॉफ्ट है, मतलब जब नया रुई भरवा के आते हैं तो कूदते हैं तो दबता है तो कहते हैं सॉफ्ट है, वही जब हार्ड हो जाता है तो वो हो गया आपका हार्ड, जब दबना बंद हो जाता है तो उसको बोलते हैं हार्ड। अब यहाँ पर क्या है, एटम का साइज अगर बड़ा बड़ा है तो वॉइड का साइज बढ़ेगा, वॉइड का साइज बढ़ेगा जब इसको दबाएंगे तो दब जाएगा, यहाँ पर फ्री स्पेस लार्जर होता है, यहाँ पर क्या होता है लार्ज फ्री स्पेस होता है, उसको बोला जाता है वॉइड, लार्ज फ्री स्पेस होता है, इसी को बोलेंगे वॉइड, वॉइड का साइज बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर मेटल छोटा है, कर्नल छोटा है, तो कर्नल जब छोटा है तो यहाँ पर क्या है, वॉइड है ही नहीं, यहाँ पर वॉइड क्या है, बहुत छोटा है, दबने का चांस क्या है, बहुत कम है। इस तरह से यहाँ पर क्या है, साइज ऑफ वॉइड स्मॉल होगा, जब स्मॉल होगा तो जितना दबाइएगा तो वो दबेगा नहीं, इसलिए क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तब तो स्ट्रेंथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं हम लोग मेटालिक बॉन्ड, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब दूसरा है कि कर्नेल का साइज अगर छोटा हो, ये जैसे छोटा है तब यहाँ पर हार्डनेस ज़्यादा होगा, यहाँ पर लार्ज साइड है ये क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ये सॉफ्ट मेटल होगा, ये क्या हो जाएगा, हार्ड मेटल होगा, चूँकि इसका साइज इतना छोटा है कि वॉइड है ही नहीं तो फोर्स अप्लाई करेंगे दबेगा ही नहीं, जब दबेगा नहीं तो उसको बोलेंगे हार्ड, जब कंप्रेसर देने के बाद दब जाता है तब उसको बोलते हैं हम लोग सॉफ्ट, यही है रीजन, क्लियर हो गया। तो इसका इसके और जैसे ऐसे भी समझिए, बेंच पे बैठे हुए हैं पांच कैपेसिटी है, पांच बैठ गए, अब फोर्स अप्लाई करेंगे सिक्स बैठ सकता है, सेवन्थ एट कैसे बैठेगा, पॉसिबल नहीं है, लेकिन दो बैठे हैं इधर से फोर्स अप्लाई करेंगे दोनों उधर सट जाइए, तो वो हो गया सॉफ्ट,
मतलब जहाँ पर प्रेशर देने के बाद दब जाए उसको बोलते हैं सॉफ्ट, यहाँ पर स्पेस ही नहीं है दबने का, वो दबेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है तो दबने का चांस ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाता है, इसीलिए बोला जाता है हार्डनेस ऑफ, हार्डनेस किस पर डिपेंड किया, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड पर तो किया ही, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड दो फैक्टर पर, टू फैक्टर पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ बैलेंस, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर भी कंपैक्ट फॉर्म में रहेगा, कर्नल का साइज छोटा है तो भी कंपैक्ट फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, देखिए लास्ट पॉइंट है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल कैन स्ट्रेस्ड विदाउट ब्रेकिंग, दिस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग इलोंगेटेड किए थे, वायर बनाए थे, वहाँ भी कर्नल और इलेक्ट्रॉन का पूरा शिफ्टिंग हो जाता था, ठीक है, वहाँ पर कर्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच बॉन्ड ब्रेक नहीं करता था, तो वो पूरा शिफ्ट ही कर जाता था, इसलिए इसका क्या होता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ब्रेकिंग नहीं होता है, दिस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। जैसे ये शो करते हैं ना, ये मेटल आयन इलेक्ट्रॉन, मेटल आयन इलेक्ट्रॉन है, मेटल आयन इलेक्ट्रॉन है, मेटल आयन इलेक्ट्रॉन है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, ये जो है पूरा शिफ्ट कर जाएगा, जैसे मेटल आयन इलेक्ट्रॉन, मेटल आयन इलेक्ट्रॉन, मेटल आयन इलेक्ट्रॉन, मेटल आयन इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट कर गया एक ही लाइन में, तो इसीलिए बोला जाता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, हाई होता है, अब ये ब्रेक नहीं करता है, दिस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। लिमिटेशंस इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल का या इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल का या इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बोलिए, जो बोलना है बोलिए, तो लिमिटेशंस है, इट फेल्स एक्सप्लेन टू लार्ज वेरिएशन प्रॉपर्टी सर्टेन मेटल, जैसे मरकरी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 30-39 डिग्री होता है, टंगस्टन का इसका होता है 34-22 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब जैसे आयरन है, आयरन का हो जाता है 1539 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इतना वेरिएशन क्यों है, इसका एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कौन, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल बोलिए या इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल बोलिए, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। दूसरा देखिए, कुछ मेटल रहता है सॉफ्ट, सम मेटल्स लाइक सोडियम पोटासियम आर सॉफ्ट, इसको नाइफ से काटेंगे कट जाएगा, आर सॉफ्ट, बट सम मेटल आर सॉफ्ट एंड कट विथ नाइफ, ये नाइफ से कट जाता है, बट सम मेटल्स आर वेरी हार्ड। इसका भी डिस्कशन इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल नहीं कर पाता है, तो यही था प्रॉपर्टीज ऑफ क्या चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल का हम लोग प्रॉपर्टी देख लिए, मेटालिक बॉन्ड देख लिए, यही सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में फोर्थ बॉन्ड यही पड़े थे, बॉन्ड का टू टाइप्स था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में था इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, क्वाड्रेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड, चारों बॉन्ड हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ये मेटालिक बॉन्ड पूरा पढ़ लिए, इतना इंटर में ज़रूरत नहीं, इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए ज़रूरत नहीं, ये सब प्रॉपर्टी, ये सब जो पढ़े, ये सब ज़्यादा प्रॉपर्टी इंजीनियरिंग में यूज होगा, आपको जब मटेरियल साइंस पढ़ना होगा, जो मेटलर्जी इंजीनियरिंग कीजिएगा तो पूरा तो फोर्स ही है वहाँ पर, ठीक है, बाद में ही आप पढ़िएगा
और जैसे इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल है उसी तरह आदर्श मॉडल है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मॉडल, मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉडल, अदर मॉडल क्या होगा इसका? अदर मॉडल्स क्या है? अदर मॉडल्स क्या है तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मॉडल थ्योरी मॉडल, ये सब इंजीनियरिंग में पढ़िएगा। फिर पढ़िएगा मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉडल पढ़ना है। तो ये सब आप लोग इंजीनियरिंग में, जब इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेंगे उस समय पढ़ेंगे। अभी आपको इतना का रिक्वायरमेंट नहीं है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मॉडल, मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉडल, ये सब का यहाँ पर आईआईटी तक में कम्पीट करने तक में रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे तो फिर नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मेरा मेटालिक बॉन्ड कम्प्लीट हो गया। मेटालिक बॉन्ड ऐसे भी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत यूज होता है, इसलिए इसको, मेटल तो हम लोग डेली यूज करते हैं, इसलिए इस प्रॉपर्टी को केयरफुल होकर वीडियो देखिएगा, समझिएगा, ताकि किसी के पास आप डिस्कस करने में पीछे नहीं रह सकते हैं, ठीक है। मेटल का डेली यूज होना है, क्या रीजन है बता सकते हैं। ये सब 8, 9, 10 तक सब प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, लेकिन उसका रीजन नहीं था। रीजन सब डिस्कस कर दिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड में लिंक ज़रूर शेयर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।